चल फिर। ओए आप तो मिलने नहीं आए, अच्छा इसमें सामान रख ले हम। अरे वाह आप तो गाड़ी लेके आए हो हमारे लिए। ओए आप तो नहीं आए, आप तो नहीं आए मिलने। जो तो पुराना दिखता बह गया है। चलो बैठो 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 बैठो, चलो 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 चलो। नहीं नहीं नहीं, तो गाइस हम लोग पहुंच गए संगरिया और अब जा रहे हैं घर। और सारे बताए देखिए, ये लड्डू तो पहले कैसे आ गया। हेलो, हमारी पहली ट्रेन आई थी। कौन सी? हम जा रहे हैं घर पे। अच्छा, और हमारी बेबी कैसी है? अरे अच्छी है, वो सो रही है। तूने देखी? हाँ। कैसी है? अच्छी है, है? तो गाइस हम तो लाइट हो रहे हैं। तो गाइस अभी हम मॉल में जा रहे हैं गेमिंग करने के लिए। अब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हेलो गाइस, और किसी को नहीं खिला रहे, बस लड्डू आ गया ना ब्रो। कैसा था तेरा एग्जाम? कैसा था? बोल रहे बैग पे। कैसा था? लाइट लाइट ऑन कर दे डंगो। छोटी सी ये लगे जाने नहीं यार की मासी आ गई। मासी तो गाइस भाग्य ने अपनी बहन को गोदी में लिया है। कैसी है तेरी बहन बताना, कैसी है तेरी बहन? कैसी है? सही है, सही है। गाइस मैं मेरे ऊपर सुसु मत कर देना। सुसु कर दे, आ रहा भाई के ऊपर सुसु कर दे। एक दिन मेरे हाथ पे कर दिया। तो ये है हमारी छोटू सी आर्या। एक दिन मेरे हाथ पे कर दिया। तेरे हाथ पे कर दिया था? तो गाइस हमारी वृंदावन जाने की तैयारी हो गई। हमने गाड़ी में पूरा बैग वगैरह सामान भर दिया है। ये हो गया है, दोनों भाभियां लगी हुई है देखिए बनाने के लिए। और उषा की तो आज आवाज बंद है, गला खराब हो गया, कुछ नहीं बोल रही है। और ये इतने सारे परांठे बन गए हैं। तो अब तू है, आजा तू। तू है? सारे सारे फिर चुप चुप के टेरी आ रही है। जा दो थोड़ा सा दो, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम 3:30 बजे सुबह के और उठ गए हैं हमें वृंदावन के लिए जाने के लिए। मम्मी देखिए मम्मी रेडी हो रहे हैं, उधर दीदी भी नहा लिए हैं वो भी रेडी हो रहे हैं। मैं तो अभी उठी हूँ तो पानी पी रही हूँ और सब लोग रेडी हो रहे हैं। बच्चों को तो ऐसे ही उठा के सीधा बिठा लेंगे गाड़ी में, तो भी सब रेडी हो रहे हैं। तो गाइस हमारी आरू भी उठ गई है और हम रेडी हो गए हैं वृंदावन जाने के लिए। और लड्डू भी उठ गया था, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो अब हम जाएंगे आरुक थोड़ी थोड़ी लाडी करके ना। ये हमारा सा प्यारा बाबूड़ा है, बाबूड़ा। तो गाइज हम गाड़ी में बैठ गए हैं सारे और 5:30 बजे सुबह से हम रवाना हो गए थे। तो अभी काफी हम दूर आ गए हैं, मम्मी दीदी ये है भाग्य गोदी में सो गए अंकल की और पापा कर रहे हैं ड्राइव। तो सुबह सुबह का मौसम हमें बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। तो
लड्डू तो एंजॉय कर रहे हैं, ये पूरे पेड़ पौधे सब देख रहे हैं। कैसा लग रहा है लड्डू आपको? अच्छा। और वृंदावन जाते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा। छोले खाए जा रहे हैं, अब इनको लगी है भूख थोड़ी सी। किन्ने है टॉयलेट? किन्ना है टॉयलेट? पीछे है क्या? इन तो गाइज यहाँ पे पापा पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं, तो हम अभी टॉयलेट जा रहे हैं। आ जा भागे। घूम ले, पैर सही हो जाएंगे, मजे कर ले बाहर निकल के। गाड़ी अच्छी लग रही है इसको तो। गाइज हम लड्डू के कपड़े चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ना वो पानी से इसकी पैंट गीली हो गई थी, इसलिए कौन बड़ा है। हाँ तो गाइज अभी सब लोग एक बार फ्रेश हो गए हैं, पेट्रोल हमने फुल करवा लिया है टैंक, और अब सिरसा पहुंचे हैं। तो अभी 5-6 घंटे तो आराम से और लगेंगे हमें, तो आराम से जाएंगे। खुद की गाड़ी है तो अरे पापा हैं साथ में ड्राइव करने के लिए। तो गाइज हम यहाँ पे अभी खाना वगैरह खाने के लिए रुके हैं, तो रोहतक से पहले ये मंदिर है एक, तो वहाँ पे बहुत अच्छी जगह मिल गई है हमें खाना खाने के लिए, बैठने के लिए। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, और अभी आधे रास्ते हम आ गए हैं, बस 3-3.5 घंटे का हमारा सफ़र रह गया है। तो हम सब अभी खाना खाएँगे और रेस्ट करेंगे आधा पौना घंटा। हाँ टॉयलेट वगैरह है क्या? तो गाइज अभी पापा सेटिंग कर रहे हैं फिर से गाड़ी की अंदर से। मैं भी कर रहा हूँ। हाँ भाग्य हेल्प कर रहा है। मैं भी कर रहा। अरे लड्डू भी हेल्प कर रहा है, ये देखिए भाग्य शीशे साफ कर रहा है। तो गाइज अभी हमारा सबका खाना लग रहा है, आलू की सब्जी पराठे। क्या इसी में खा लेंगे? सब्जी ले लेंगे बस, परांठे हमारे पास है, अचार, आलू की सब्जी और परांठे। आ जाओ जल्दी आ जाओ खा लो। हमें तो बहुत ही अच्छी जगह मिल गई है यहाँ पे, ये का मंदिर है, पंचमुखी बालाजी मंदिर बना हुआ है, और इतनी रोड पे इतनी अच्छी जगह है। तो गाइज यहाँ पे ये पंचमुखी बालाजी मंदिर है, देखिए रोहतक के, और रास्ते में रोहतक से पहले, तो काफी अच्छी जगह है यहाँ पे। तो गाइज देखिए यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए, खाना खाने के लिए हमें बहुत अच्छी जगह मिली रात को, कोल्ड ड्रिंक पी थी उसकी वजह से। तो गाइज अब ना लड्डू की तो रात को कोल्ड ड्रिंक पी थी तो नोजी चलने लग गई है, और
लड्डू की दवाइयों का ये डिब्बा खुल गया है, अब हम लड्डू को देंगे दवाई। रास्ते में हम रुके हैं, तो ये हाईवे है, झज्जर रोहतक हाईवे। मम्मी 2 मिनट आ जाओ जी सर, हो जाओ बात। तो भाग्य सो गया आगे, पीछे ले के अंकल भाग्य ना बैठे। लो दियो खोल गया।